हे गाइस, वेलकम टू एजाज ब्लॉग्स। तो जो सबसे पहली न्यूज़ आ रही है वो आ रही है कैरी मिनाटी की तरफ से। तो भाई कैरी मिनाटी वो जो है लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे थे, जहां पर किसी ने क्वेश्चन किया न्यू वीडियो को लेके, जहां पर कैरी मिनाटी उन्होंने कुछ ये कहा। क्या हाल है, हाउस द वीडियो कमिंग सो फार। अभी आशु में काम कर ही रहा हूं उसके ऊपर, अभी मैं एक स्किट बना रहा हूं एक्चुअली, बाकी सब बढ़िया है। ऑल्सो गाइस, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई कैरी मिनाटी उनका जो है क्यू एन ए वीडियो भी आने वाला है, तो उसकी भी शूटिंग स्टार्ट हो चुकी है। जी हाँ, क्यू एन ए को लेकर ही जो है किसी ने क्वेश्चन किया था पिछली लाइव स्ट्रीम में, उस पर कैरी मिनाटी ने कुछ ये कहा। क्यू एन ए कब आ रहा है? मैं कल से बैठ रहा हूँ रिकॉर्डिंग करने क्यू एन ए की टीम पे, मतलब बनाई रहूं, लेते हैं एक ही बात। ऑल्सो गाइस, पॉसिबल है कि हमें जो है नेक्स्ट ईयर तक कैरी मिनाटी नेटफ्लिक्स पे भी दिखाई दे। जी हाँ, मे बी हो सकता है कोई वेब सीरीज है या कुछ और। बड़ा हो गया है नेटफ्लिक्स पे आने का, क्या शॉन है, देखते हैं भाई अभी क्या शॉन है। अभी इस साल तो कोई शॉन नहीं है, शायद अगले साल कोई शॉन बन जाएगा। वैसे गाइस, कैरी मिनाटी को लेके बात निकली है तो चलिए चलते हैं थारा भाई जोगिंदर की तरफ। तो भाई आप लोगों को पता ही है थारा भाई जोगिंदर वर्सेस कैरी मिनाटी चालू है, तो थारा भाई जोगिंदर वो जो है डिस्ट्रैक्ट लाने वाले हैं कैरी मिनाटी पे। उन्होंने अपनी स्टोरी में कहा, तूफान आएगा इस लड़ाई में, कोई भी छपरी यूट्यूबर गलती से भी बीच में मत आ जाना, नहीं तो पूरा हिला डालूंगा। न्यू डिस्ट्रैक्ट कमिंग सून। बाय द वे, यहां पर थारा भाई जोगिंदर जो डिस्ट्रैक्ट बना रहे हैं उसका एक वीडियो भी जो है लीक हो चुका है, तो आइए वो लीक वीडियो देख लेते हैं। तो ये वाला डिस्ट्रैक्ट आ रहा है थारा भाई जोगिंदर का। बाकी इस बारे में आप लोग क्या कहना चाहोगे मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। ऑल्सो गाइस, कैरी मिनाटी उन्होंने जो अपने इंस्टाग्राम पे कुछ स्टोरी अपलोड किए थे, सबसे पहले आप लोग वो देख लो। झगड़ा करो लड़ाई नहीं, हाथ पकड़ो किसी की परछाई नहीं। क्या बात है यार। तो उसी पर थारा भाई जोगिंदर उन्होंने कहा, आने वाले तूफान का वेट कर, आर पार की लड़ाई होगी। तो भाई अब जो कुछ भी होने वाला है थारा भाई जोगिंदर के डिस्ट्रैक के बाद ही होगा, देखते भाई वो डिस्ट्रैक कब तक आता है। वैसे गाइस, अगर आप लोग मुझे न्यूज सबमिशन करना चाहते हो तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ। आपके पास कोई भी यूनिक न्यूज आएगी या फिर कैरी मिनाटी की लाइव स्ट्रीम में से कुछ भी इंपॉर्टेंट क्लिप्स निकलेगी, अगर वो आपके पास होगी तो मुझे आप लोग न्यूज सबमिशन में सबमिट कर सकते हो। गाइस, अगली जो न्यूज आ रही है वो हिंदुस्तानी भाऊ की तरफ से। जैसे कि मैंने आप लोग को पिछली वाली वीडियो में बताया कि भाई हिंदुस्तानी भाऊ जो कि स्टूडेंट्स के लिए काफी आवाजें उठा रहे हैं कि भाई उनके जो एग्जाम्स होने वाले हैं उन्हें ऑफलाइन लिया जाए, इवन इसके लिए जो है प्रोटेस्ट भी किया गया था स्टूडेंट्स की तरफ से। अब जैसे कि मैंने आप लोगों को वीडियो में बताया था कि भाई प्रोटेस्ट की वजह से जो है हिंदुस्तानी भाऊ उन पर केस फाइल किया गया मुंबई में, बट अब यहां पर खबर यह भी आ रही है कि नागपुर में भी केस फाइल किया गया। जी हां, उसका रीजन क्या है आइए देखते हैं। यहां पर गली न्यूज की तरफ से पोस्ट आई है जहां पर बताया गया है, हिंदुस्तानी भाऊ के खिलाफ नागपुर पुलिस में भी एफआईआर दर्ज, स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट में पब्लिक प्रॉपर्टी तोड़फोड़ का मामला। जलगांव और औरंगाबाद के स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट पीसफुल था, लेकिन मुंबई और नागपुर में कुछ स्टूडेंट्स ने रोड ब्लॉक किए और गाड़ियों पर पत्थर फेंक कर तोड़फोड़ किए। तो लाइक प्रोटेस्ट के दौरान जो है तोड़फोड़ का भी मामला सामने आया, एंड इसी की वजह से हिंदुस्तानी भाऊ उन पर मुंबई में तो ठीक, अब नागपुर में भी केस फाइल हो चुका है। गाइस, अगली जो न्यूज़ आ रही है राउंड टू हेल की तरफ से। तो भाई राउंड टू हेल की तरफ से जो न्यू वीडियो आया है एज ऑफ वाटर, उस पर क्रेजी रिस्पॉन्स आ रहा है, आप लोग डिस्प्ले पर देख सकते हैं। 6 दिनों में ही जो है 25 मिलियन व्यूज हो गए, उसी पर राउंड टू हेल ने कहा 25 मिलियन व्यूज सिर्फ 6 दिनों में। ऑल्सो यहाँ पर राउंड टू हेल वो जो है क्यूएनए कर रहे थे, जहां पर किसी ने कहा कितना कमा लिया इस वीडियो से, उस पर राउंड टू हेल उन्होंने कहा, कमाने के लिए बनाते तो हर महीने वीडियो लेकर आते, लेकिन हमारा विजन कुछ और है, तुम अभी ये नहीं समझ पाओगे लेकिन श्योरली तुम फ्यूचर में ये चीज समझ लोगे। गाइस, अगली जो नजर है वारी नवाजुद्दीन सिद्दीकी एंड अवनीत कौर की तरफ से। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई इनकी तरफ से जो है फिल्म आने वाली है जिसका नाम है टीकू वेड्स शेरू, तो उसी को लेकर अपडेट आई है। अपडेट ये है कि भाई वो जो फिल्म की शूटिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। यहां पर नवाजुद्दीन सिद्दीकी उन्होंने कहा, द ब्यूटीफुल प्रोसेस ऑफ फिल्मिंग टीकू वेड्स शेरू इज कंप्लीटेड टुडे, अवनीत कौर इज अ गिफ्टेड एक्टर। उसी पर अवनीत कौर ने कहा, थैंक यू फॉर ऑल द लेसंस नवाजुद्दीन सिद्दीकी सर। गाइस, अगली जो नजर है वारी फ्लाइंग बीस्ट की तरफ से। तो भाई जैसे कि आप लोग को पता है इंडिया में भी जो है फेक सप्लीमेंट्स को लेके काफी बड़ा मार्केट चलता है, तो उसी को लेके यहाँ पर फ्लाइंग बीस्ट उन्होंने स्टोरी अपलोड की है जहाँ पर कहा, इंडिया इज अ वेरी बिग मार्केट फॉर फेक सप्लीमेंट्स। आप लोग ये स्टोरी देख लो। नागपुर और हरियाणा में यमुनानगर तक सप्लाई करते थे, वहां से जो ऑर्डर लेने वाला आदमी है वो इनको बताता था कि हमें इस कंपनी का फेक प्रोडक्ट चाहिए, तो ये उसी का स्टिकर प्रिंट करके डब्बे बनवा के इनको वहां भी सप्लाई करते थे। गाइस, अगली जो नजर है मुंबई कर निखिल की तरफ से। एंड फाइनली मुंबई कर निखिल उन्होंने जो है अपनी जो बेबी है उसका फेस रिवील कर दिया। जी हाँ, तो मैं आप लोगों को इस वीडियो में से एक शॉर्ट क्लिप बता देता हूँ, फुल वीडियो आप लोग जाके देख सकते हो। जब स्काई पैदा हुई थी तो ऐसा लगा दूसरे दिन की खुशी में आप लोगों से शेयर करूँ, लेकिन एक चीज होती है कि 40 दिन तक चेहरा नहीं बताते। मेरी मम्मी और शैनेस की मॉम ने भी यही चीज बोली थी। इसको कूदने का है, क्या रखा है?
गाइस अगली जो न्यूज़ आ रही है वो है आमिर सिद्दीकी की तरफ से। जैसे कि मैंने आप लोगों को पिछली वाली वीडियो में बताया था कि भाई आमिर सिद्दीकी वो जो है प्रतीक सहजपाल के सपोर्ट में आए और स्टोरी अपलोड करते हुए कहा कि बिग बॉस का जो विनर है वो प्रतीक सहजपाल को ही होना चाहिए था। एंड नाउ अब फाइनली इसको लेके एक और अपडेट आई है कि भाई आमिर सिद्दीकी वो मिले प्रतीक सहजपाल से। जी हाँ गाइस अगली जो न्यूज़ आ रही है वो अमित भड़ाना की तरफ से। तो भाई अमित भड़ाना की तरफ से जो वीडियो आने वाला था LLB पे फाइनली वो आ चुका है। ये पार्ट वन है और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई इस वीडियो के लिए जो है अमित भड़ाना उन्होंने अपना काफी वजन घटा दिया, लेकिन अब अमित भड़ाना वो जो है मसल गेन करने वाले हैं। जी हाँ, क्योंकि उनके कुछ और दो तीन न्यू प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, उसी को लेके उन्होंने लाइव में बात किए थे। आइए देखते हैं। हाँ यार, वजन घटा दिया, बहुत वजन मैंने 94 से अभी मेरा 76 है, बहुत वजन घटा दिया। कोई बात नहीं, इस वीडियो के लिए ही घटाया था। तो और अभी तो आने वाले प्रोजेक्टों के लिए और भी मतलब एक दो प्रोजेक्ट ऐसे जिसके लिए मसल्स भी गेन करनी है। गाइस अगली जो न्यूज़ आ रही है सौरव जोशी व्लॉग्स की तरफ से। तो भाई 4 फेब को जो है सौरव जोशी की तरफ से न्यू सॉन्ग आ रहा है, वो तो ठीक, लेकिन सौरव जोशी उन्होंने अपने वीडियो में बताया कि अगर उस सॉन्ग पे 1 मिलियन लाइक्स कंप्लीट हो जाती है तो उनकी तरफ से जो एक और सॉन्ग आने वाला है तो उस गाने का वो नाम बता देंगे। और हमने एक टारगेट रखा है, अगर 1 मिलियन लाइक हो गए ना उस गाने पे तो हम अपने नेक्स्ट गाने का नाम बताएंगे ब्लॉग में, जो भाइयों वाला है, भाइयों वाला, उसका नाम बताएंगे क्या। वैसे कि सॉन्ग को लेके बात निकली है तो चलिए चलते हैं हसनैन 07 की तरफ। तो भाई हसनैन की तरफ से भी जो है न्यू सॉन्ग आ रहा है जिसका नाम है लक तेरा लीट। ऑल्सो हसनैन को लेके बात निकली है तो मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर अदनान वो मिले शाह डेजी से और इनकी तरफ से जो है कुछ स्पेशल आने वाला है। ऑल्सो यहाँ पर हर्ष बेनीवाल उनकी तरफ से भी न्यू वीडियो आ रहा है, उन्होंने कहा शूटिंग वन ऑफ द टफेस्ट वीडियो एवर। एंड अगर बात करते हैं अचीवमेंट्स की तो भाई ध्रुव राठी का जो सेकंड चैनल है व्लॉगिंग चैनल उसका मिल चुका है उन्हें गोल्डन प्ले बटन। जन्नत जुबैर को फीचर किया गया फॉर्ब्स के 30 Under 30 में। सो बस गाइस आज का वीडियो यहीं पर खत्म होता है। पसंद है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, ये रही आईडी। मिलते हैं अच्छी वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय। स्लैप। अबे साले रुको जरा, सबर करो। मालूम था एजाज भाई ने बोले थे अगले वीडियो में फन पार्ट लाएंगे। हलवा है क्या? ठीक है, अब बोला हूँ, जुबान दिया हूँ, करना पड़ेगा। शुरुआत अयान जुबैर से करूंगा। हाँ एक और चीज, या ऐसा अयान जुबैर को बदनाम मत करो, मैं कितना रिस्पेक्टफुली बात करता हूँ उससे, वीडियो में कितनी तारीफें करता हूँ।